नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। मोदी कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस वक्त हो रही है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे वहीं चलते हैं। पहला अत्यावश्यक कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तु कानून, उसमें किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। यह कानून कब बना था? बहुत पहले बना था, जब देश में किल्लत होती थी। आज कोई किल्लत नहीं है कृषि उत्पादन की, बहुतायत है, और इसलिए ऐसे समय ऐसे बंधन डालने वाले कानून की जरूरत नहीं थी। पहले तो मुझे याद है, शक्कर राशन पर सस्ती मिले इसलिए किसान के शक्कर पर भी लेवी होती थी। अभी भी कुछ कानून के प्रोविजंस ऐसे हैं कि जब कीमतें बढ़ती है तो तुरंत बंधन आते हैं खेती किसान पर, निर्यात बंद होती है, भंडारण पर निर्बंध आते हैं। ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लटकती तलवार ने निवेश को रोका, ना स्टोरेज बढ़ा, ना निर्यात बढ़ी, ना प्रक्रिया उद्योग बढ़े, ना निवेश आया। आज इस लटकते तलवार को खत्म किया है और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी, अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू, ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है, ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। और केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, इस तरह का कोई कारण है बड़ा, तो ही ये बंधन फिर लग सकते, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए किसानों की ये मांग 50 साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज ये पूरी हुई है। निश्चित किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। बाकी जानकारी तोमर जी देंगे, मैं केवल एक शब्द में उसका उल्लेख करूंगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमिटी के बंधन से किसान मुक्त हुआ है, किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा, ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को, और एक वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी बहुत अच्छा कानून आज अध्यादेश की चर्चा हुई है, वो अध्यादेश के बारे में अधिक जानकारी जो हम कानून बनाने जा रहे हैं उसकी जानकारी तोमर जी देंगे। एक तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, ज्यादा कीमतों के गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है, यानी कोई निर्यातक है
कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा आज मिली है, जिससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है और उसके सारे महत्वपूर्ण पहलू तोमर जी बताएंगे। चौथा एक निर्णय हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वी नो द वर्ल्ड सिचुएशन, इंडस्ट्रीज आर थिंकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट नेशन, एंड वी ऑल्सो हैंड होल्ड द न्यू इंडस्ट्रीज। इट विल गिव फिलिप टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इट विल ब्रिंग सीनर्जीज बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, अमंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इन पॉलिसी मैटर्स इट विल गिव बूस्ट टू द इकोनॉमी एंड ओपन अप इमेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट आती है, उद्योग आते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ते हैं, और वो रोजगार बढ़ना महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हर मंत्रालय में होगा, वो जो प्रोजेक्ट्स उनके मंत्रालय के दायरे के अंदर आएंगे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको जमीन ठीक तरीके से मिले, जल्दी मिले, हर एक कल कारखाने के एस्टेब्लिशमेंट के समय कोई दिक्कतें आती है वो दिक्कतें तुरंत दूर हो, ये सारी व्यवस्था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करेगा। पांचवा एक महत्वपूर्ण निर्णय था, 11 जनवरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और जिनका कश्मीर में बलिदान हुआ, कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम देने का फैसला आज लिया गया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 11 जनवरी को वहां कोलकाता में की थी। सो टुडे वी हैव रीनेम्ड कोलकाता पोर्ट एज कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एक छठे निर्णय के अनुसार फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय हुआ है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन है। आयुष मंत्रालय के दो लैब्स है गाजियाबाद में। पोटेंशियल चेंजेस विच वर रिक्वायर्ड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, वी हैव टुडे डिसाइडेड टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द रूल्स ऑल्सो। तो आज की बैठक में किसानों के लिए तीन बड़े निर्णय, सो द कॉन्सिक्वेंस निर्णय हुए, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट देश में आए इसके लिए भी निर्णय हुआ, और कोलकाता एयरपोर्ट का नाम और उसके साथ साथ फार्माकोपिया कमीशन, ये भी दो महत्वपूर्ण निर्णय हुए। तो इसमें आत्मनिर्भर पैकेज की भी जो घोषणाओं को आकार देने का काम किया है, और कुछ उसके बाहर के भी है। अंत में इतना ही कहूंगा कि मोदी सरकार ने किसानों का हमेशा पक्ष लिया है, चाहे वो पीएम किसान हो 6000 रुपए भेजने वाला, या नीम कोटेड खाद हो, या सॉइल हेल्थ कार्ड हो,
या ज्यादा क्रेडिट हो या किसानों के लिए अनेक सुविधाएं तैयार की है, तो इसलिए ये किसान हितैषी सरकार है। मैं अब तोमर जी को दरख्वास्त करूंगा कि जो दो महत्वपूर्ण उनके विभाग के निर्णय हुए हैं उसकी वो जानकारी देंगे। धन्यवाद माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय दंतवाला जी और उपस्थित सभी मित्रों, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दायित्व को संभाले थे, तब से लेकर आज तक लगातार उनकी कोशिश है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब और किसान रहे, गरीब की ताकत बढ़े, किसान की ताकत बढ़े, खेती मुनाफे में आए, किसान की समृद्धता हो, गांव में संपन्नता हो, जिससे कि देश हमारा आगे बढ़ सकने में सक्षम हो। इसलिए गत 6 वर्षों में गांव के सर्वांगीण विकास और किसान की समृद्धि की दृष्टि से अनेक निर्णय हुए हैं, जो समय समय पर आप सबके सामने निर्णयों के रूप में आते रहे हैं, जिनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है। हमारे देश में किसान की बात हमेशा होती रही है, अन्नदाता कहकर हम पुकारते रहे हैं और जो संभव समय समय पर निवेश हुआ वह निवेश भी किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा ये बात ध्यान में आती है कि किसान की माली हालत ठीक नहीं है। के क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र का निवेश होना चाहिए उस दिशा में हमारा देश प्रवर्तित नहीं हो पाता, और इसलिए जब भी बात चलती है तो किसान उत्पादन भी कर रहा है, किसान देश में पैदावार बढ़ा रहा है, किसान अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब छोटे किसान से पूछो तो निश्चित रूप से वो अपने दर्द को बयां करता है। हमारे देश का जो कुल किसानी का क्षेत्रफल है और किसानों की संख्या अनुमानित 14 करोड़ के आसपास है, इसमें 85% किसान छोटा और मझोला है, तो बड़ा किसान तो सब प्रकार के साधन अपने आसपास इकट्ठा करने में सफल हो पाता है, लेकिन जो छोटा किसान है उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और इस वजह से उसको समय समय पर परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का अपना अनुभव, उनका निर्णय करने का साहस, दूरदृष्टि और इसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों में अनेक ऐसे कार्य किए गए, 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करके अभी तक 9,54,00,000 किसानों को लगभग 71,000 करोड़ रुपया उनकी जेब में डालने का काम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ। यह इतना बड़ा सरकार का निवेश एक मुश्त आज तक कृषि के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को परिमार्जित किया गया। गत 2 वर्षों में 13,000 करोड़ किसानों का प्रीमियम जमा हुआ, लेकिन उनके नुकसान की जो भरपाई है वो 64,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों के माध्यम से की गई।
जैविक खेती को बढ़ावा देने का सवाल हो या खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का सवाल हो, सूक्ष्म सिंचाई का सवाल हो, इन सब के लिए लगातार योजनाएं बनाई गई, उसमें फंडिंग बढ़ाई गई, टेक्नोलॉजी की जो मदद दी जानी चाहिए उसको देने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सब का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होना चाहिए, किसान को सामाजिक सुरक्षा मिले। इसके लिए किसान मानधन योजना लागू की गई। अभी केसीसी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 6.5 करोड़ लोगों पर हैं। 2.5-3 करोड़ की संख्या अभी ऐसी है जिनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना है। उसके लिए अभियान चलाकर जल्दी ही इस लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा, और यह लक्ष्य पूरा होगा तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया किसानों के हाथ में पहुंचेगा। अभी केसीसी के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपया ऋण किसानों के पास है। पिछले दिनों आपको ध्यान होएगा कि हम लोग अभी पिछले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 31 नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।